का हमारे चैनल में स्वागत है। साथियों, किसान भाइयों, आज आपको हम आपको बहुत ही शानदार जानकारी देने वाले हैं, जो कि जानकारी है वह आपके मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, आपके लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी, जो कि धान की करने वाले किसानों के लिए बहुत ही फायदा और बहुत ही शानदार जानकारी दिए। तो बताएंगे क्या न्यूज सामने निकल के जो आई हुई है। अभी एमपी न्यूज, मुख्यमंत्री मोहन यादव ने धान किसानों को बोनस देने का किया ऐलान। जी हाँ, किसान भाइयों, मोहन यादव जी, मुख्यमंत्री जी, जिनने मध्य प्रदेश के किसानों को, धान की खेती करने वाले किसानों को बोनस देने का ऐलान किया है और खाते में आएगी सीधी इतनी राशि। तो सीएम मोहन यादव का ऐलान है, धान किसानों को मिलेगा बोनस, खाते में आएगी सीधी राशि इतनी। तो कितनी राशि आने वाली है आपको बताने वाले। लोकसभा चुनाव का अंतिम दिन है और कल चुनाव के प्रचार में लगे मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव डिंडोरी में जनता को संबोधित करते हुए, सीएम यादव रोड शो के दौरान जनता को संबोधित करते हुए किसानों के लिए बड़ी घोषणा की है। कहा कि उपार्जन केंद्रों में धान बेचने वाले किसानों को बोनस दिया जाएगा। इसी के साथ उन्होंने जनता के लिए अन्य घोषणाएं भी की हैं। तो अन्य घोषणा क्या, दरअसल चुनाव प्रचार प्रसार के दौरान डिडौरी में सीएम यादव के रोड शो का आयोजन किया गया है। शो के दौरान जगह जगह सीएम यादव के फूलों की वर्षा का स्वागत किया गया। उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए भाजपा का प्रचार करते हुए पीएम मोदी जी को वोट देने की अपील की है। उपार्जन केंद्रों में किसानों को दिया गया जाएगा बोनस। उन्होंने कहा है कि सीएम यादव ने कहा है डिंडोरी में रोड शो के दौरान जनता को संबोधित करते हुए किसानों के हित में बड़ी बात कही। उन्होंने कहा है कि उपार्जन केंद्रों में धान बेचने वाले किसानों को बोनस दिया जाएगा। सीएम यादव ने कहा है कि लोकसभा चुनाव के आचार संहिता खत्म होने के बाद जुलाई महीने में प्रदेश सरकार धान बेचने वाले किसानों को उपार्जन केंद्र में बोनस देने जा रही है। सरकार प्रदेश सरकार के किसानों को कोई परेशानी नहीं होने देगी, उनके विकास के लिए हर संभव प्रयास करेगी। इस दौरान सीएम मोहन यादव ने अन्य घोषणाओं को फिर से दोहराते हुए कहा कि प्रदेश के हर जिले में एयर एम्बुलेंस की सुविधा प्रदान करने की बात कही। कहा कि जरूरतमंद मरीजों को डॉक्टर की सलाह एवं कलेक्टर की अनुमति से इलाज के लिए प्रदेश सरकार के खर्चे पर एयर एम्बुलेंस से बड़े अस्पतालों तक भेजने का प्रबंध किया जाएगा। मरीजों को इलाज के लिए किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी एवं जरूरतमंद व्यक्ति पर एक भी पैसा खर्चा नहीं होगा। आयुष्मान के तहत उनका फ्री इलाज किया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्य प्रदेश सरकार ने ये कहा है। तो बता देते हैं आपको कि डिंडोरी में आयुर्वेदिक कॉलेज खोलने की घोषणा भी मोहन यादव जी ने कर दी है। सीएम मोहन यादव जी चुनावी मंच से जनता को संबोधित हुए डिंडोरी में आयुर्वेदिक कॉलेज खोलने की घोषणा की बात को फिर से दोहराते हुए कहा है कि चुनाव के बाद इसका कार्य शुरू हो रहा है ताकि इस क्षेत्र में छात्रों को उच्च शिक्षा प्राप्त हो सके। हमारे प्रदेश में मेडिकल कॉलेज की सुविधा और बेहतर किया जाएगा जिससे मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। सरकार प्रदेश के हर क्षेत्र में अपना योगदान देने के लिए सजग है। इसी के साथ सीएम मोहन यादव ने सभा में उपस्थित महाभारत सीरियल में द्रोणाचार्य की भूमिका निभाने वाले कलाकार सुरेंद्र पाल को भी संबोधित किया। इसके अलावा सीएम यादव आदिवासी गौरव के साथ श्री रामचंद्र जी की गाथा को पाठ्यक्रम में शामिल करते हुए बात कही है, जिसने देश का गौरवशाली इतिहास को बच्चे जान सके। उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी जी की सरकार प्रभु श्री राम जी के आशीर्वाद से चल रही है। उनके पास कोई मकान नहीं होने के बावजूद करोड़ों जरूरतमंद लोगों को मकान पक्का देने का काम कर रहे हैं। तो साथियों, इस प्रकार की तमाम घोषणाएं माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ के द्वारा, मोहन यादव जी के द्वारा की गई हैं। तो साथियों, आपको घोषणाएं किस प्रकार से अच्छी लगी या नहीं लगी कमेंट सेक्शन में बताएं और वीडियो को शेयर करना ना भूलें और वीडियो जरूर बताएं कि आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताएं और किस प्रकार का वीडियो चाहते हैं हमें बताते रहिएगा कमेंट सेक्शन में, अपना आशीर्वाद देते रहिएगा। तो साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें।